आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो जो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा था, और आज क्या होगा, ट्रांसलेशन से जो प्रोसेस होता है उसमें आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट साथ में ही मैंने यहाँ पर डिस्कशन करना है आज, और इसके जो डिफरेंसेस है उनसे आप उनके कैरेक्टर्स को जान पाओगे। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन है, तो जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में क्या होता है, इट अकर्स इन 70S राइबोसोम, मतलब जो 70S राइबोसोम होता है उसमें वो अकर्स करता है। और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में डिफरेंस शो करता है, क्या करता है, वो 80S राइबोसोम में अकर्स करता है। और सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एज बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। मतलब क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म में दोनों ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है, अकर्स करता है प्रोकैरियोट्स में। और जो यूकैरियोट ट्रांसलेशन जो होता है उसमें क्या करता है, वो डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और आज जो ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस में उसका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, और ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है, साइटोसोल में। इस इज द डिफरेंस। प्रोकैरियोट में क्या होता है, पॉलीसिस्टेनिक होता है एमआरएनए, और यूकैरियोट में क्या होता है, एमआरएनए जो होता है दैट इज मोनोसिस्टेनिक। एंड फोर्थ पॉइंट में है, फर्स्ट एमिनो एसिड टेक पार्ट इज एफ मेथाइल। मतलब प्रोकैरियोट में क्या होता है, जो फर्स्ट एमिनो एसिड आता है जो प्रोटीन फॉर्मेशन बाद में होता है, क्या करता है, टेक पार्ट करता है, एफ मेथाइल फर्स्ट आता है। और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में क्या आता है, मिथियोनाइन आता है। और जो इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन कोडन इज यूजुअली AUG, ऑकेजनली GUG और UUG। तो ये जो डिफरेंट पॉइंट है 5 नंबर का, वो दोनों में ही सेम है। मतलब यहाँ पर भी देखो, इनिशिएशन अकर्स इन AUG, ऑकेजनली GUG और CUG। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में, और एक जो 6 पॉइंट है क्या है, इट इज़ फास्टर प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस होता है दैट इज़ फास्टर मोर देन कंपेयर टू यूकैरियोटिक, ठीक है। ऐड से अबाउट 20 अमीनो एसिड पर सेकेंड, मतलब 20 अमीनो एसिड ऐड करता है सेकेंड में ही। और ये क्या करता है, ये स्लोअर प्रोसेस है देन द प्रोकैरियोटिक, दैट ऐड्स 1 अमीनो एसिड पर सेकेंड। ये सिर्फ 1 अमीनो एसिड करता है सेकेंड में ऐड करता है। और ये जो हमारा प्रोकैरियोट्स है, ये क्या करता है, 20 अमीनो एसिड ऐड करता है पर सेकेंड में। जो प्रोकैरियोटिक प्रोसेस होता है क्या होता है, इसमें 3 इनिशिएशन फैक्टर्स लगते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, दैट इज़ IF1, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। एंड यहाँ पर जो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में क्या होता है, इट रिक्वायर्स ए सील ऑफ 10 इनिशिएशन फैक्टर, मतलब 10 इनिशिएशन फैक्टर सील के तरह से आते हैं और बाइंड करते के प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। और प्रोकैरियोट में क्या होता है, रिक्वायर्स 2 रिलीज फैक्टर्स, दैट इज RF1 फॉर UAG एंड UAA एंड RF2 दैट इज़ फॉर UAA एंड UGF फॉर टर्मिनेशन। मतलब यहाँ पर क्या करता है, 2 रिलीजिंग फैक्टर्स ऐड करता है फॉर टर्मिनेशन के लिए। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, इट रिक्वायर्स ओनली सिंगल रिलीज फैक्टर, दैट इज RF1। तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ mRNA लाइफ इज शॉर्ट। मतलब यहाँ पर जो लाइफ स्पैन होता है mRNA के शॉर्ट होता है, दैट इज़ सम सेकेंड्स टू सम मिनट्स, एज mRNA इज लेस स्टेबल। यहाँ पर क्या होता है, mRNA लेस स्टेबल होता है। और यूकैरियोट में क्या होता है, mRNA हैज लाइफ ऑफ फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, मतलब यहाँ पर ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू हमारा प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इट इज़ क्वाइट स्टेबल, दैट इज़ मोर स्टेबल दैन द प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। एंड दीज आर द डायग्राम्स, दैट इज ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स। इस तरह से ट्रांसलेशन होता है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द RNA, एंड दिस इज द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स। दिस ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स।